मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम आपका चैप्टर सेकेंड मेहनत की कमाई शुरू करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके शब्दार्थ लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पाठ का परिचय यहाँ दिया हुआ है जिस तरह से, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे और शब्दार्थ के बाद उसका सरल अर्थ जो है वो हम लिखेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, मेहनत की कमाई। मेहनत जो कभी भी जो काम करते हैं हम, उसको करने में जो समय लगता है और उस कार्य को करके हम जो भी पैसे कमाते हैं उसकी मेहनत की कमाई भी। कमाई यानी पैसा। इस पाठ के माध्यम से लेखक मेहनत का फल सिखाना चाहता है। कहते हैं क्या मुहावरे लोकोक्तियां आप सुनते हो कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो ये क्या है। मेहनत जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं श्रम के साथ में, तो उसका हमेशा फल या खाने का फल नहीं है, फल यानी उसका रिजल्ट, उसका हमें जो वापस रिटर्न मिलता है वो फल जो है वो हमेशा कैसा होता है, मीठा होता है। तो इस पाठ के माध्यम से मेहनत का फल सिखाना चाहते हैं। यदि मेहनत करते हैं तो हमें किसी भी वस्तु को व्यर्थ नहीं फेंका जाता, और यदि आराम से बैठे बैठे प्राप्त हो जाए तो वह चाहे कितनी भी बड़ी मूल्यवान क्यों न हो वह व्यर्थ ही लगती है। जब आप कोई काम अपने हाथ से करते हो तो उस कार्य की आपको पूरी जानकारी होती है, उसमें कितना आपका श्रम लगा, आपने उसमें कितनी मेहनत करी, वो सब चीज़ आपको ध्यान रहती है। तब आप क्या करते हो, उसको बहुत संभाल के रखते हो, और जो आपको बिना उसके कुछ मूल्य का पता हुए बगैर आपको ऐसे ही मिल जाती है, तो आपको क्या होता है, उस वस्तु का या उस मूल्यवान वस्तु का भी आपको वैल्यू नहीं रहती है और वो व्यर्थ ही लगती है, यानी जिसका अर्थ नहीं हो ऐसा लगता है। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, अमीर मतलब जो बहुत पैसा वाला बाप यानी पिता, उसने बुलाकर क्या कहा, जा कुछ कमा कर कमा ला, यानी जाके और कुछ कमा के लेके आए, यानी कहीं पे मेहनत कर और वो वापस तुम्हें मिले। लड़का लापरवाह निर्लज था। लापरवाह यानी किसी की सुनता नहीं था। निर्लज यानी जिसमें लज्जा नहीं होती, लज्जा यानी शर्म। तो ऐसा जिसको कुछ भी कह देते थे तो उसका कोई असर नहीं पड़ता था, इस तरह का लापरवाह यानी किसी की परवाह नहीं करता था और निर्लज था। काम करने की उसकी आदत नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ के पास जाते हैं, आप भी जाते हो ना, जब कोई भी काम आपका नहीं होता है तो आप अपनी माता जी के पास जाते हो और जाके और थोड़ा सा रोते हो तो आपकी मम्मी क्या हो जाती है, पिघल जाती है, कहती है चलो ठीक है ले जाओ। तो ऐसे ही उसने क्या किया, अपनी माँ के पास गया, रो धोकर थोड़ा सा रोया, मिन्नतें यानी उनसे आप प्लीज दे दो, आप बोलते हो ना घर में प्लीज दे दो, तो ऐसे मिन्नतें करने लगा और उसकी माँ ने उसको कुछ दे दिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया, उसने 1 रुपया बक्से निकाल कर दे दिया। क्योंकि क्यों निकाल के दिया, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको क्या बोला था, जा कुछ कमा कर ला। अब माँ ने क्या किया, 1 रुपये निकाल कर उसको दे दिया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया। लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया, उसने कहा जा इसे कुएं में फेंक। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। इसी तरह से जैसे ही वो आए शाम को उसके पिताजी, उन्होंने क्या कहा, पूछा उससे कि तू कुछ कमा के लाया, क्यों, क्योंकि उसके पास 1 रुपया था वहाँ से लिया हुआ, वो फटाफट उसने निकाल के दिया और दिखाया कि ये रहा पिताजी। पिताजी ने कहा, समझ गए पिताजी तो, और उन्होंने कहा जा इसको किस में डाल दे, कुएं में डाल दे। कुआं देखा ना आपने, उसमें खूब सारा पानी होता है, गाँव में कुएं से पानी भरते हैं, तो उसको बोला उसमें डाल दे, यानी वो व्यर्थ हो गया। कुएं में डाल देंगे तो पैसा वो काम आएगा, नहीं आएगा, वो व्यर्थ हो गया। और उसने क्या किया, क्योंकि उसने उस पैसे को खुद ने कमाया नहीं था, इसलिए दौड़ा और जाकर उसने उस कुएं में उसको डाल दिया। नेक्स्ट हम आगे करेंगे, इन शब्दार्थ को और पाठ परिचय को बिल्कुल आप सिस्टम से अपनी कॉपी में लिखेंगे और इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे वापस भेजेंगे। थैंक यू।